हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, दो बड़ी अपडेट आई है यूएई से, और ये वर्कर के लिए बिल्कुल, आपने थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा दोस्तों, कि फेसबुक के वजह से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीन लोगों को दोस्तों तंबाकू के वजह से, क्योंकि उनके पास तंबाकू नहीं निकला और चूना जिसे बोलते हैं तंबाकू में डालकर खाते हैं दोस्तों। प्रॉपर इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे गिरफ्तार किया है दोस्तों और क्या इसका रीज़न है। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना और वीडियो पूरी देखना दोस्तों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मैं मानता हूँ कि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि अपडेट क्या है। तो पहला जो अपडेट है दोस्तों, फेसबुक से रिलेटेड ये अपडेट है कि देखिए, वो लोग कहीं भी दूसरे कंट्री में थे, मतलब एशियाई नागरिक है तीनों, ठीक है। तो वो लोग क्या किया था कि मतलब वो धर्म के खिलाफ बहुत सारा पोस्ट किया था उस टाइम। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों, यूएई में आने के बाद फिर यहाँ पे वो लोग थोड़ा दिन ये सब चीज़ करना बंद कर दिया था, और ये सोशल मीडिया पर ये सब मतलब जो चीज़ गलत चीज़ वो नहीं करते थे। बट बीच में वो लोग को क्या हुआ, कोई आदमी लोग कोई गलत वीडियो पोस्ट किया था, उसके नीचे कमेंट पे कमेंट बहुत सारा गंदा गंदा कमेंट कर दिया। ये वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, और पता चला पुलिस वाले लोग को, तो खंगाला गया। तो यहाँ का आईडी मिला इस आदमी को, यहाँ पे फेस से पता चल जाता है कि आप कहाँ पे रहते हो, क्योंकि पूरा जो हम लोग का एमरेस आईडी होता है दोस्तों, या फिर एयरपोर्ट पे आते हो तो आपको देखते हैं ना, आई का जो ये होता है स्कैनिंग होता है, उसके ज़रिए इन लोगों को पता चला गया कि ये आदमी लोग इस जगह पर है, ठीक है। तो पता चलने के बाद फिर उन लोग का जो भी प्रोफाइल था, फेसबुक का प्रोफाइल, वो पूरा सही से चेक किया गया। पता चला कि ये बहुत सारे लोग धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा पोस्ट करते रहते थे, उल्टा सीधा बातें करते रहते थे। तो दोस्तों, आप बिलीव नहीं करना, कैंप में आकर, ठीक है, कैंप में आकर ये लोग को पकड़ कर लेके गया, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ आदमी लोग पकड़ा है तो पल पल का अपडेट मिलता है कि हाँ, इसको कहाँ ले जाया गया, कौन सा जेल में ले जाया गया या कहाँ पर रखा गया, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जब आप छूट जाओगे या आप पर जब फाइन आ जाएगा तब पता चलेगा। तो ये लोग के साथ अभी कुछ अपडेट नहीं है, बट ये लोग को पकड़ के ले गया। तो ये वीडियो बनाने का मतलब, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना यहाँ पे। अगर यूएई में आपको किसी भी धर्म के खिलाफ हो, कोई भी धर्म हो, उसके खिलाफ आप पोस्ट नहीं करना, कोई अगर वीडियो डाला है तो उस पर कमेंट नहीं करना, नहीं तो इनकेस आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब चीज़ आपको मजाक लगे, आप सोचता होगा कि नहीं, मैं तो लिख देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, बट जिसके साथ होता है दोस्तों, उसी को पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दूसरा अपडेट है दोस्तों, तंबाकू के रिलेटेड। दोस्तों, आपको पता ही है कि यूएई में पिछले दिनों तंबाकू के लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है कि आप साइड में भी जाते हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था, जब हम लोग साइड में काम करने जाते थे तो देखते थे कि दूसरे जो सेफ्टी वाले लोग, वो लोग ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करता था, तंबाकू वगैरह के बारे में। बट अब भी पूरी तरह तंबाकू के बारे में डिस्कस करता है, बोलता है कि तंबाकू इस साइड पे अलाउड नहीं है, खाना बिल्कुल मना है, या फिर आपको पुलिस भी पकड़ेगी तो फाइन दे सकती है, बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों कि ये लोग, दो लोग जो थे वो तंबाकू लेके, इन लोगों का काम था मिलिट्री कैंप के अंदर, और ये लोग दोस्तों पैकेट में लेकर सीधा अंदर चले गए, जबकि जाने से पहले चेक होता है। बट ये मालूम नहीं है ना, जुगाड़ पाइन लोग कैसे करते हैं, अंदर जाने के बाद जब ये लोग खा रहा था तो ये लोग को शायद वहाँ पे चप्पे चप्पे पे कैमरा होता है, आपको पता ही है, चप्पे चप्पे कैमरा होता है, कैमरा में पता चला गया। इन लोग को तुरंत वहाँ से दोस्तों पकड़ लिया गया, पकड़ के इन लोग को अंदर डाल दिया गया, वहीं पे कैंप में ही। अब पता ही नहीं दोस्तों, वही मिलिट्री कैंप में ही, अब पता नहीं इन लोग को कब छोड़ेगा, इस पर क्या फ़ाइन आएगा, क्योंकि अभी तो उस एरिया में जाकर, क्योंकि बहुत सारा जगह ऐसा है दोस्तों, जो काम करने अगर आपको जाना है तो बहुत सोच समझ के जाना, ऐसी नहीं कि अनठेकानी चले गए और कोई रूल भी पता नहीं है और फिर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। आप मिनिस्ट्री के अंदर कहीं भी आप काम करने जा रहे हो तो वहाँ के चीज़ ना तो आप कैमरा का मोबाइल लेके जा सकते हो, ना ये गुटखा, ना तंबाकू, ना सिगरेट वगैरह जो भी है। सिगरेट तो बहुत सारा कैंप में अलाउड है, बट ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, गुटखा, तंबाकू, कैमरा वाला फ़ोन या कुछ चाकू, ऐसा बिल्कुल नहीं लेके जाना कहीं भी मिनिस्ट्री के अंदर अगर काम है तो, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। और जो भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, चलता है वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।